जाएंगे। ये सरप्राइज है आप लोगों के लिए कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। लास्ट तक वीडियो देखिए। बहुत ही शानदार हम लोग का रास्ता है। अरे तुमको लग रहा है बाहर नहीं गए, वो पीछे वाला भी है ना, इतना बड़ा एडिंग एडिंग अभी से बड़ा हम लोग का। गया हाँ। पैदल उतरना और चढ़ना पड़ेगा, पैदल एक जन चढ़ाना हाँ। चढ़ेगा बारस के साथ, वो भी तो पैदल उतरना पड़ेगा ना। तो पायलट गाड़ी बंद करो। ये रास्ता है, अभी नीचे हम लोग जा रहे हैं पिकनिक स्पॉट्स के तरफ। ये इधर बना दिया गया है कुछ बहुत। Chances, I don't care, I'm fine, I'm dancing brighter. Yeah, 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 homeboy, I'm telling you. अब हम नीचे से देखते हैं इसका व्यू कैसा है। इधर से बहुत ही कंजेस्टेड प्लेस में झाड़ी काफ़ी ज़्यादा दिख रही है मेरे को। यहाँ पे पगडंडी जैसा रास्ता बना हुआ है। इधर से आप काफ़ी कंफर्टेबल है, बस आप स्लीपर या शूज़ पहन के आ नहीं सकते हैं। यहाँ पे कुछ रायता सा फैला दिया गया है। वाह भाई साहब, इसे बोलते हैं जन्नत का नज़ारा। आर यू एक्साइटेड? अब हम नीचे पहुंच गए हैं। वो वो बेचारे को चोट लग गया यहाँ पे। वो काफी सुंदर दृश्य है। काफी घना जंगल है इसमें। ऊपर से हमें कॉल आ रहा है, अभी हम लोग को एक दूसरे का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा है, इस वजह से हम लोग से बात कर रहे हैं। हेलो, ऊपर से हमारे शूज और स्लीपर आ रहे। अरे पारे जल्दी जा भाई। लड़का कड़ी मशक्कत से अपना स्लीपर को निकालते हुए, इसका स्लीपर हवाई यात्रा नहीं कर पाया। नीचे तो हम लोग दूसरे रूट से आए थे, पर जाने का अब दूसरे रूट से हो रहा है। रास्ता है, मुझे भी पता नहीं इधर से कौन सा रास्ता आता है। ओह भाई साहब क्या नज़ारे हैं, लग रहा है मैं कोफिया माउंट ट्रेकिंग में आ गया हूँ। ये मेरा डाकू के जैसा ये लड़का आ रहा है।
कैसा लग रहा है? मजा आया? आने मरेगा मेरा साथ मरेगा काय का हो गया? इधर देख के बात करो। साला चप्पल फेंकता ऊपर से। फेंक दिया। हाँ। आओ चलो। ठीक। काफी सीधा सा चढ़ाव पड़ रहा है। ये डायरेक्ट चढ़ाई पड़ रहा है। मजा तो काफी आया। आप देख सकते हैं यहाँ से कितनी घनी जंगल के अंदर भी पता ही नहीं चलेगा कितना खूबसूरत सा वाटरफॉल है। आज के इस ब्लॉग में मुझे उम्मीद है कि ये मेहनत कुछ तो पसंद आएगी आप लोगों को। तो ये इस लंबे समय तक के लिए मुझे लगता है ये वर्थ रहेगा। आगे भी अब मैं रेगुलर वीडियो बनाता ही रहूँगा। कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स थी जो शेयर नहीं की जा सकती हैं, जिसके वजह से मैं वीडियोस बना नहीं पा रहा था। मुझे काफ़ी पसीना आ रहा है। सीधा चढ़ाई बहुत ही मुश्किल है, फिर भी जैसे तैसे हम अपनी चढ़ाई पूरा कर रहे हैं। मुझे पसीना भी बहुत ज़ोरों से आ रही है। कोई नहीं, मैं कुछ बोल भी नहीं पा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ बहुत सारा। इतने थकावट के बाद एक कदम भी हमसे चला नहीं जा रहा है। ये मेरा दोस्त जो चढ़ाई करते करते इतने भारी वजन में भी थक गया। 98 किलो लेके चढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत ही मुश्किल है भाई। मेरे जो दोनों लोको पायलट हैं आ गए हैं। पारस फेंका था, अंकित फेंका था, अंकित फेंका था। अच्छा रिलैक्स, चलते हैं, थोड़ा गाड़ी में हवा लगेगा। उठा लो। चल पारस। उठ जा पारस। चल भाई। इसी के वजह से हम लोग को इतना चढ़ाव ही चढ़ाना पड़ा। ये मेरा ड्राइवर। अरे हुआ। चलो। अब हम घर जा रहे हैं। काफी थक गए हैं। आगे कैसा लगा? बहुत मजा आया यार। रास्ता बना हुआ नहीं है। हमारे पहले वो बताएंगे रास्ते का एक्सपीरियंस। मैं कहूंगा कि आप लोग थारू लेके आ गया तभी ज्यादा फायदा रहे। तो इस वजह से तो सिर्फ धोनी भैया ही आएंगे? नहीं, तो मैं भी आ सकता हूँ, मेरे पास भी था। फायदेमंद है, अभी लॉकडाउन में आप लोग घर से निकल नहीं रहे होंगे। अच्छा है, आप लोग भी साइकिल से आइए, बाइक से आइए, पर आइए एक बार विजिट कीजिए, बहुत ही मज़ा आएगा।